जी आपकी बुक स्टार्ट करते हैं बिजनेस लॉ। बिजनेस लॉ की जितनी भी बुक है ना, इसमें बिजनेस करने के लिए कानून बने हुए हैं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट बने हुए हैं। कॉन्ट्रैक्ट ये जो बुक में आपको विदाउट आप बोलेंगे कोई हम किसी प्रकार की डिक्लेरेशन या कोई ना कोई हम ऐसे बोलेंगे एग्जाम्पल के बिना आप इस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करोगे पॉसिबल नहीं है। आपको पेपर में भी जब ये क्वेश्चन आएंगे तो आपको कोई भी एग्जाम्पल्स देनी है, एग्जाम्पल उसके साथ मैच करती होनी चाहिए। जरूरी नहीं कि बुक से ही रीड करके एग्जाम्पल दे रहे हैं, जनरल लाइफ में भी अगर आपको कोई ऐसे एग्जाम्पल्स मिले हैं किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के प्रति, आप उसकी एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। तो एग्जाम्पल के बिना ये बुक पॉसिबल नहीं होगी, इसमें नंबर तभी आने वाले हैं, आपको साथ में एग्जाम्पल्स भी देनी होगी। इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इंडिया में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है 1872 में जो सेटअप हुआ था, भी मीन्स कोई भी बंदा हमारी इकोनॉमी में जब कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाएगा तो कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी राइटिंग, ये रूल है गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग। भी जो भी आप कॉन्ट्रैक्ट बनाने जाओगे मस्ट बी राइटिंग। अगर आप बोल रहे हो भी हम लोग बोल के कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे, वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाता। कॉन्ट्रैक्ट आपका मस्ट बी दो पार्टीज के बीच में होना चाहिए और मस्ट बी इन राइटिंग। एग्रीमेंट विच कंटेन दी सर्टेन ऑब्लिगेशन विच टू बी परफॉर्म सच पार्टीज एंड विच सच रिटर्न एग्रीमेंट बिकम्स इन्फोर्सेबल ऑफ लॉ। जो एग्रीमेंट होगा उसमें जो बोथ पार्टीज होंगी उन्होंने क्या क्या काम करना है वो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करने के लिए, तब भी इस कॉन्ट्रैक्ट को जो है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा जिसमें गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन भी फॉलो होते हैं। एग्जाम्पल इन्होंने लिखा हुआ है कि एंड्रयू कॉन्ट्रैक्ट विद बॉबी फॉर परचेज 10 बैग्स ऑफ सीमेंट सर्टेन क्वालिटी फॉर ₹1 लाख। इन केस बॉबी प्रॉमिस टू इट्स टू प्रोवाइड एंड्रयू विद 10 बैग्स ऑफ सीमेंट ऑफ दैट क्वालिटी फॉर विच एंड्रयू हैज कॉन्ट्रैक्टेड। एंड्रयू प्रॉमिस टू ड्यूटी टू पे बॉबी 1 लाख। इन केस बोथ हैव प्रॉमिस स्टैंडिंग फॉर द ऑर्डर, दिस इज कैन केस ऑफ रेसिप्रोकल रेसिप्रोकल प्रॉमिस। हम ऐसा बोल सकते हैं कि एंड्रयू जो है बॉबी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है कि 10 बैग जो है वो सर्टन किसी क्वालिटी के, सर्टन क्वालिटी नहीं फिक्स क्वालिटी भी उसमें क्लियर होना चाहिए ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में, उस ₹1 लाख के देगा। और बॉबी उस चीज़ को मान लेता है कि हाँ बॉबी प्रॉमिस करता है कि एंड्रयू को पेमेंट दे देगा। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम जो प्रॉमिस मानते हैं अगर इसमें सर्टन डेट भी हो, सर्टन क्वालिटी भी हो और किस तारीख को सामान डिलीवर होगा, किस तारीख को पेमेंट खत्म होगी और ये रिटर्न में होगा, तब ये कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है। अगर आप पहले बात कर रहे हो सर्टन क्वालिटी सर्टन डेट, सर्टन का मतलब क्या होता है, कोई फिक्स नहीं है कब देंगे। कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा कभी नहीं होता, कॉन्ट्रैक्ट आज कर रहे हो तो विद इन 1 महीने का टाइम है, तो 1 महीने भी आपको खत्म करना होगा, तो फिक्स टाइम पीरियड इसमें खत्म होना चाहिए। इन्होंने एग्जाम्पल लिखा है, चैरिटी इज नॉट ए केस ऑफ रेसिकल प्रॉमिसेस बिकॉज ए पर्सन डूइंग चैरिटी डज नॉट एक्सपेक्टेड एनीथिंग इन रिटर्न। इस कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा इन्होंने बोला कि दोनों पर्सन एक चैरिटी के बेस में काम कर रहे हैं कि मैं तेरे को ये काम करूंगा तो मुझे पेमेंट दे देगा, ऐसा कुछ नहीं है। दयालु भावना नहीं चल सकती किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के बीच में। आपको सर्टेन चीज़ें क्लियर करनी चाहिए, मीन्स एक बंदा इनविटेशन एंड ऑफर, एक बंदा ऑफर करने वाला, जैसे मैं कुछ बेच रहा हूँ मैं ऑफर करने वाला होना चाहूँ कि मैं ये चीज़ बेच रहा हूँ इतने रुपए में इतनी ये क्वालिटी के साथ। दूसरे बंदे की क्या होनी चाहिए, स्पेसिफिक इंटेंशन टू बाय, आपकी स्पेसिफिक इंटेंशन होनी चाहिए इस टाइम पर मैं इतनी चीज़ों में इतने रुपये में चीज़ खरीदना चाहता हूँ, तब उसको वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जो है माना जाता है। अगेन उन्होंने थोड़ा दिखाया भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन दे विच के अंदर, जदों भी कोई कॉन्ट्रैक्ट होगा कॉन्ट्रैक्ट दे विच एग्रीमेंट प्लस इनफोर्सेबिलिटी होना जरूरी है। एग्रीमेंट का मतलब कि जदों भी कोई कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहे हो मस्ट बी इन रिटर्न ऑर्डर, रिटर्न ऑर्डर होनी चाहिए, सारी चीज़ें स्पेसिफिक क्लियर होनी चाहिए ने, और इनफोर्सेबिलिटी वाला मतलब कि एक स्टैम्प पेपर के ऊपर होगा तो असं उन्होंने रूल मान के चल रहे हैं। तुझे कहोगे मैंने वाइट पेपर से किसी से कुछ लिखा लिया वो इनफोर्सेबिलिटी ऑफ लॉ नहीं है, किसी तो कुछ भी लिखा लो जरूरत थोड़ी, तुम किसी से साइन करते हो बंदे ने कहता कि हाँ मैं कितने एज वो भी दो परसन जिम्मे गवाह होंगे तो वो भी नाल होने जरूरी नहीं, तो उन्होंने इनफोर्सेबिलिटी ऑफ लॉ कहते हैं। इनफोर्सेबिलिटी जो नाल लिखे उन्होंने इसे कहेंगे एक बंदा ऑफर करने वाला हो, एक एक्सेप्ट करने वाला हो और दोनों ने रिटर्न ऑर्डर के कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हो और स्टैम्प पेपर दे होगा तो उन्होंने एग्रीमेंट में असं इंपोर्टेंट डेफिनेशन मान के चलने की वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होंगे। एग्जाम्पल लिखे कि बदले में कोई चाहिए यही चाहिए, मतलब क्लियर होना चाहिए कि कोई बंदा अगर कोई चीज़ दे रहे हैं तो अगर थोड़ा तो कुछ ले भी रहे हैं, ये पॉइंट होते बीच क्लियर होने जरूरी है। अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट आपका इनफोर्सेबिलिटी लॉ नहीं है, आपने रिटर्न एग्रीमेंट कर लिया बाय एक्सप्रेस कर लिया, जैसे बाय माउथ कर लिया या बाय वर्ड कर लिया, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है। अगर रिटर्न में होगा प्लस इनफोर्सेबिलिटी ऑफ लॉ होगा तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। आगे बाद 10 नंबर में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट क्या, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या है, उसके इसेंशियल क्या होते हैं, जब भी कोई वैलिड कॉन्ट्रैक्ट आप करने जाएंगे उसमें क्या क्या चीज़ें जरूरी होंगी। सबसे पहले दोनों बोला कि प्रॉपर प्रॉपर ऑफर एंड प्रॉपर इस एक्सेप्टेंस, प्रॉपर बंदा ऑफर करने वाला होना चाहिए। मान लो मैं एग्जांपल बोलूँ कि मैं आपको एक कार बेचने जा रहा हूँ, ये मेरी प्रॉपर ऑफर है, मेरी कार ब्लू कलर की है और उसकी कीमत मैं 1 लाख रुपये मांग रहा हूँ,
तो ये प्रॉपर ऑफर होती है कि मैंने आपको क्लियर कर दिया, इसका मॉडल ये है, इतनी कीमत है, मैंने इतनी चलाई हुई है, प्रॉपर एक्सेप्टेंस। आपको क्या बोलेंगे, हम 1 लाख रुपए की कार आपकी खरीदने के लिए तैयार है, इस तारीख को हम आपको पैसे दे देंगे, ये आपके कॉन्ट्रैक्ट में क्लियर होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर आप साथ में इसमें लिखेंगे, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ऐसा हो रहा होगा जो वैलिड है, उसमें प्रॉपर ऑफर भी होगी और प्रॉपर एक्सेप्टेंस भी होगी, इतने पैसे में चीज खरीदूंगा, आपके पास एग्जाम्पल दी हुई है उन्होंने। इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, आपके कॉन्ट्रैक्ट में ये इंटेंशन होना जरूरी है, मीन्स आप खुद चाहते हो कि हम ये लीगल रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं। कैसे, मतलब कि जब मैं कोई कॉन्ट्रैक्ट आपके साथ कर रहा हूँ तो लिखते रूप में हो जाए और हम उसको स्टैम्प पेपर क्लियर कर लें, आज मैं एडवांस में आपको इतने पैसे दे रहा हूँ, इतनी तारीख को मैं फिक्स बाकी पैसे दे के काम कम्प्लीट कर दूंगा और आपके पेपर जो है क्लियर बने होने चाहिए, तब कोई कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड माना जाएगा। उसके बाद जो भी कॉन्ट्रैक्ट होगा उसमें लॉफुल कंसीडरेशन होना चाहिए, लॉफुल कंसीडरेशन मतलब हमेशा समथिंग इन रिटर्न होना चाहिए। अगर मैं आपको का गाड़ी बेच रहा हूँ तो आप उसके बदले मुझे पैसे दे रहे हो, ये लॉफुल कंसीडरेशन हमेशा होना चाहिए। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि मैं आपको कार बेचूंगा, कौन सी कार बेचूंगा, कंसीडरेशन होती है सहमति होती है, या फिर सहमति होती है, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उसमें दोनों पार्टी सहमत हैं कि मैं आपको कार बेच रहा हूँ आप मुझे पैसे दे रहे हैं, ये लॉफुल कंसीडरेशन और लिखते रूप में होने चाहिए। एग्जाम्पल मैं कॉन्ट्रैक्ट में बोल दूँ कि मैं आपको कार बेचूंगा, आप बोलोगे मैं खरीदूंगा, ना तो मैंने बताया अभी कौन सी कार बेचनी है, कितने की बेचनी है, कौन सी क्या मॉडल है, कुछ नहीं बताया, आपने बोला कितने खरीदनी है, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट आप कर लेंगे तो वो वाइड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। वैलिड क्या होगा, जिसमें लॉफुल कंसेशन होगी, ऑफर एक्सेप्टेंस दोनों चीज़ें क्लियर होने वाली होंगी। उसके बाद कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट जिन पार्टीज के बीच में हो रहा है, क्योंकि दो पार्टीज होते हैं कॉन्ट्रैक्ट के बीच में, एक खरीदने वाला एक बेचने वाला, तो उन दोनों की कैपेसिटी भी होनी चाहिए, मतलब कि जो बंदा ऑफर कर रहा है उसके पास कैपेसिटी होनी चाहिए कि जो चीज़ की ऑफर कर रहा है उसके पास उस टाइम पे अवेलेबल होनी चाहिए। आपने रिटर्न में कर लिया कि मैंने बोल दिया कि मैं ब्लू कलर की कार 2009 मॉडल इस तरह से आपको बेचूंगा, तो आप उसको मानिए भी एक्चुअल में हाँ ये कॉन्ट्रैक्ट में बंदे ने लिखते रूप में है, और जब ये टाइम आएगा तो मैं आपको वो चीज़ अवेलेबल करवा सकूँ, ये ना हो कि मैं आपको अवेलेबल नहीं करवा के दे सकता। और जो पार्टी खरीदने वाली है जितनी कीमत उसने बोली कितनी तारीख में दूंगी, उस तारीख पर वो पेमेंट उसको देना जरूरी है, आप ये नहीं बोल सकते तारीख निकल के हम पेमेंट नहीं देंगे, तो वो कॉन्ट्रैक्ट आपका खत्म हो जाता है। मतलब आपका कॉन्ट्रैक्ट का टाइम खत्म हो गया तो वो कॉन्ट्रैक्ट मतलब मैं बेचने वाला मैं किसी और को भी बेच सकता हूँ। उसके बाद फ्री कॉन्सेंट, जब भी ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट होने जाएगा उसमें कॉन्सेंट, कॉन्सेंट का मतलब होता है मंजूरी, कभी भी कोई कॉन्ट्रैक्ट होने जा रहा है वो फ्री होना चाहिए, मतलब किसी भी प्रकार का बंदे के ऊपर बर्डन नहीं डाल सकते। सबसे पहले उन्होंने लिखा कि कॉशन, किसी के बंदे को आप डरा धमका नहीं सकते, अगर तू मेरी गाड़ी नहीं खरीदेगा तो मैं तेरे को एक्सीडेंट कर दूंगा, तेरे को मार दूंगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। उसके बाद अंडर इन्फ्लुएंस, बंदे को धोखे में नहीं रख सकते आप लोग, मैंने उसके माइंड के ऊपर प्रेशर नहीं कर सके। अंडर इन्फ्लुएंस का मतलब होता है कि आप जान में मेरी गाड़ी इतनी बढ़िया है, तू चलाएगा, तेरे फायदे में ये होगी, अगर तू नहीं खरीदेगा तेरे साथ ये हो जाएगा वो सारी, जैसे कई बंदे को जान में डरा धमकाना शुरू कर देते हैं, तो ये चीज़ें कभी नहीं होनी चाहिए। फ्रॉड, दिखाएं कुछ और बेचें कुछ और, ये कभी भी कॉन्ट्रैक्ट में नहीं होना चाहिए। कई बार हम दिखाते हैं ना, आप लोग मान लो कोई चीज़ आप ऑनलाइन देख लो वेबसाइट में ना खरीदना होता है, लोग खरीदने जाते हैं पुरानी चीज़ों को, दिखाते हैं ये बहुत बड़ी गाड़ी, चलो जाके देखने जाते हैं, उसका हालत तो बहुत ख़राब होती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक्चुअल में विजिबल काम होना चाहिए, बंदा पहले देख के चला गया, खरीदने के लिए रेडी है फिर चलेगा, पता लगा आपने फोटो पिक्चर भेज दी, बंदा ने बोला कॉन्ट्रैक्ट हो गया, आपने लिखती साइन साइन भी कर ली है, लेकिन जब बंदा खरीदने आ रहा तो निकला कुछ और, बोला गया ब्लू कलर दे दिया आपने, रेड कलर, तो वो कभी नहीं चल सकता, फ्रॉड नहीं कर सकते। मिस रिप्रेजेंटेशन, मिस रिप्रेजेंटेशन आपके कॉन्ट्रैक्ट में कुछ भी मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं होनी चाहिए, मतलब आप लोग जो कुछ बोलने जा रहे हैं, जैसे एग्जाम्पल उन्होंने गाड़ी मेरी हम बोले कि 1 लाख किलोमीटर चली हुई है, आप जानबूझ के पहले दिखा रहे हैं 1 लाख, बाद में आपकी गाड़ी अगर चेक करवाया जाए निकले कुछ और, तो ये भी आपके कॉन्ट्रैक्ट में कभी नहीं होना चाहिए। मिस्टेक, कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी गलती भी नहीं होनी चाहिए, जब भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट का आपका होने जा रहा है उसमें किसी भी प्रकार की गलती नहीं चाहिए। मतलब मैं कोई पार्टी बोल रहा हूँ तो मैंने जो सारी चीज़ें बताई हैं, बाद में गलती से मैं बोलूँ कि यार मेरे को गलती से मेरे को कोई बंदा एक्स्ट्रा पैसे देने वाला मिल गया तो मैंने वो गाड़ी किसी और को बेच दी, ये कॉन्ट्रैक्ट में कभी नहीं होना चाहिए। जो कॉन्ट्रैक्ट आप आज क्लियर करने जा रहे हो बिल्कुल सही होना चाहिए। लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट मीन्स जो भी काम हो रहा है एज पर गवर्नमेंट रूल होना चाहिए। मैंने जैसे बोला कि कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो स्टैम्प पेपर के ऊपर होना चाहिए, लिखते रूप में होना चाहिए, जिसमें दो पार्टी होनी चाहिए प्लस दोनों पार्टी की तरफ से एक एक पर्सन गारंटी वाला भी होना चाहिए, मीन जो गवाह के तौर पे काम करता है। उसके बाद एग्रीमेंट नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड, जो भी आप किसी बंदे के साथ एग्रीमेंट कर रहे हो या कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो ये एक्सप्रेसली नहीं होना चाहिए, मतलब कि बोलकर काम नहीं चलेगा। आप किसी को बोल दो कि मैं गाड़ी बेचूंगा, आपने बोल दिया कि हम खरीदेंगे, ये कभी नहीं होना चाहिए, ये लिखते रूप में होना चाहिए। सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग, आपके कॉन्ट्रैक्ट में सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग होना चाहिए, मतलब कि जैसे एग्जाम्पल इन्होंने ली है कि आशीष एग्री टू सेल ए बैंक 100 टन ऑफ ऑयल,
आशीष बोलता है कि आपको 100 टन्स ऑफ ऑयल बेचूंगा, किस कंपनी का ऑयल बेचूंगा, ये चीज क्लेम। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको एक कार बेचूंगा, सर्टेनिटी ऑफ थिंग है, कौन सी कार बेचोगे भाई 1 लाख रुपए में, उसका मॉडल भी होना चाहिए, कंपनी का नेम भी होना चाहिए, उसकी वारंट आपके पास पेपर अवेलेबल है नहीं है, वो सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। आप बोल दो कार बेचूंगा बंदा, मैं खरीदूंगा 1 लाख रुपए कार मिल गई, क्या दिक्कत है, कहीं नहीं मिलती है, वो चले जाएं वहाँ पे आपको बच्चों को खिलौने वाली कार दे देंगे, वो लेकर थोड़ी आ जाएंगे रिमोट वाले, बच्चों को बैठ के घुमाएंगे 1 लाख रुपए में, वो चीजें नहीं चल सकती। पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, आपके कॉन्ट्रैक्ट में पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस होनी चाहिए, मतलब कैसे कि जो टाइम पीरियड आपने फिक्स की है वो आपको ऐसा लगता हो कॉन्ट्रैक्ट में हो सकता है। मैं एग्जाम्पल बोलूँ कि आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो किसी बंदे के साथ भी, मैं आपको कार बेचूंगा और मेरी आप जो कार 1 लाख में खरीदोगे वो हवा में भी उड़ती है, ये कॉन्ट्रैक्ट में पॉसिबल ही नहीं है। आपकी कार कैसे हवा में उड़ने लगेगी, ऐसी आज तक कुछ बनी नहीं है। आप बंदे को बोलो झूठ बोल के बेच दे रहे हो, जब बोलो किसी बंदे को बोलो मैं आपको पैराशूट दे रहा हूँ, आप कहीं से भी छाल मार दो खुल जाता है, ऐसा नहीं है। पैराशूट में छाल मारने के लिए बहुत ऊंचाई से छाल मारनी पड़े तब खुलेगा, आप घर की छत से किसी को छाल मरवा दो वो कॉन्ट्रैक्ट में पॉसिबल ही नहीं है, उसके तो हाथ पैर टूट जाएंगे। तो आपके कॉन्ट्रैक्ट में जो चीज़ें भी आप क्लियर करना चाह रहे हैं उसमें पॉसिबल होना चाहिए, काम होना चाहिए। एग्जाम्पल इन्होंने आपके पास जो दी है, मोंटो टेल जॉन डेट ही कुड रन ए स्पीड ऑफ 1000 किलोमीटर पर आवर आफ्टर ईटिंग ए बाउल ऑफ स्पिनिच, कोई स्पेनिच कोई चीज़ें खाने वाली। मोंटो बोलता है कि मैं 1000 किलोमीटर की स्पीड से दौड़ सकता हूँ ये चीज़ खाने के बाद में। कॉन्ट्रैक्ट इसी बंदे के साथ कर रहे हैं, आप भी इस चीज़ को खाओ आपका बेनिफिट होगा। आज तक ऐसी कोई चीज़ बनी नहीं है कि आपको बंदा खा ले और खाने के बाद 1000 किलोमीटर की स्पीड पर दौड़ लेगा, कोई चीज़ नहीं, बल्कि गिरेगा। खाली पेट में भी थोड़ा बहुत भाग सकता है बंदा, लेकिन खाने के बाद ऐसा कुछ बना नहीं। आप किसी चीज़ को बेचने के लिए मतलब पॉसिबिलिटी नहीं दिखा सकते, उसमें भी ये चीज़ें हो जाएंगी। लीगल फॉर्मेलिटी, वही दोबारा बात मन की जो चीज़ भी आप करने जा रहे हैं एज पर लीगल रूल होना चाहिए, एज पर दी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंडर काम होना चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें आप फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वैलिड नहीं माना जाता। ये 10 नंबर का क्वेश्चन आपको आता ही है कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या है, उसमें एसेंशियल चीज़ें क्या होने वाली हैं, कर दी है तो वहाँ पे प्रॉब्लम्स आपकी आने वाली है। कभी भी आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा अनइनफोर्सेबल हो सकता है अगर उसमें किसी भी प्रकार की कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आती है, चाहे वो लिखते समय कोई आपने गड़बड़ कर दिया है, पार्टीज के नेम गड़बड़ हो गए हैं, जो चीज़ आपने देनी थी वो चीज़ की जगह कुछ और चीज़ दिया जा रहा है, तो इसको टेक्निकल प्रॉब्लम्स बोलते हैं। टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से भी कॉन्ट्रैक्ट जो है अनइनफोर्सेबल हो जाता है। फिर आता है क्लासिफिकेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ इट्स फॉर्मेशन। कॉन्ट्रैक्ट जो है जब बनाए जाते हैं उसके हिसाब से भी इसकी अलग अलग टाइप्स हैं। फॉर्मेशन का मीनिंग होता है कॉन्ट्रैक्ट बनाना, किस किस प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट बन सकते हैं। सबसे पहले ये कॉन्ट्रैक्ट मे बी मेड थ्रू द रिटन वर्ड्स बाय स्पीच वर्ड ऑफ माउथ, कहता है कॉन्ट्रैक्ट आपकी वर्ड्स, इसको एक्सपेक्ट्स कॉन्ट्रैक्ट भी बोलते हैं। कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेक्ट्स बना सकते हैं, किसी को बोल के हम लोग कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये इनफोर्सेबल बाई लॉ हो तभी वैलिड माना जाता है। लेकिन हम लोग टाइप्स में लिखेंगे तो एक्सपेक्ट्स कॉन्ट्रैक्ट भी होता है कि आप किसी को बोल के बोल, जैसे एग्जाम्पल बोल लो कि मैं तेरे को कल घुमाने ले जाऊँगा, ठीक है अभी एक्सपेक्ट बोल के कॉन्ट्रैक्ट हो बंदा, ठीक है मैं घूमने चले जाऊँगा। लेकिन आप उसको बोलोगे मैं कल को बंदा आके केस करने लगे कि तूने तो बोला घुमाने ले जाऊंगा, आज लेके नहीं जा रहा, वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है भाई, आपने बाय माउथ बोला था। वैलिड कब होगा, जब उसमें रिटर्न आप कर दोगे एक्चुअली मैं घुमाने ले जाऊंगा, तेरा खर्चा भी सारा मैं करूंगा, फिर बात अलग हो सकती है। उसके बाद इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो एकदम से हो जाए, मतलब आपने जो पॉइंट बोला अभी कंप्लीट हो जाए। जैसे एग्जांपल में लिखा हुआ है कि इम्प्लाइड बाय लॉ, जैसे गवर्नमेंट बोलती है कि रोमा गेव बुक टू द एलन बाय मिस्टेक व्हिच बिलोंग टू द सेरा, नाउ इट्स टू एलन ऑब्लिगेशन टू रन द बुक्स फ्रॉम रोमा इवन देयर इज नो इंटेंशन टू गेट इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। रोमा ने बुक जो है एलियन को दे दी है बाई गलती, बाई मिस्टेक दे दी है, लेकिन जो बुक है वो किसकी है, वो सीरा की बुक है। नाउ एलियन जो सॉरी अलाइन जो पर्सन है वो ऑब्लिगेशन कर रहा है कि बुक्स जो है रोमा को मुझे वापस कर दो, इवन देयर इज नो इंटेंशन टू गेट इन टू द कॉन्ट्रैक्ट, चाहे आपके कॉन्ट्रैक्ट में जाने की इच्छा भी नहीं है, लेकिन आप फिर भी कॉन्ट्रैक्ट में चले जाते हैं क्योंकि रोमा ने पहले ही बुक किसी और पर्सन को दे दी, तो कॉन्ट्रैक्ट वहाँ पर उनके साथ कंप्लीट हो चुका है। मीन्स हो सकता है कि बुक्स के उन्होंने पैसे पूछे लेन देन कर लिया हो, लेकिन अभी इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट ऐसा होता है कई बार हम गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग मान के चलते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मोड पे हो गया भाई, आपने सब कुछ इन्फोर्सिबिलिटी में कंप्लीट कर लिया, जिस बंदे ने गड़बड़ की है उसके खिलाफ केस लग सकता है। लेकिन आप बोलोगे जबरदस्ती जिस बंदे से कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो चुका है उससे कोई चीज़ें मैं वापस ले लूँगा, ये पॉसिबल नहीं होता। हेलो, हाँ जी मैं क्लास से सीखा आना थोड़ा टाइम, हाँ जी हाँ जी ठीक, वो मैं दोबारा ला रहे थे बताएंगे ठीक। फिर इम्प्लाइड बाय फैक्ट, फैक्ट का मतलब जो तो कोई काम हो जाता है, एग्जांपल लिखे उन्होंने परचेजिंग ग्रोसरी फ्रॉम दी मॉल एंड रिटेल स्टोर। कई बार तो सिर्फ रिटेल स्टोर या मॉल के घूमन चले गए जिम्मे अपना, उससे कई बार असं घूमते घूमते कोई चीज़ खरीद ली, इन इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, लेकिन इम्प्लाइड बाय फैक्ट ऐसी कोई काम करने गए थे लेकिन कोई चीज़ और खरीद के ले आए, तो इम्प्लाइड बाय फैक्ट एज पर द फैक्ट के अकॉर्डिंग भी कॉन्ट्रैक्ट मनाया जाता है।
फिर रहेगा उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ इट्स परफॉर्मेंस, काम दी परफॉर्मेंस दे अकॉर्डिंग जो तो कॉन्ट्रैक्ट बन रहे हैं उन्होंने परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। सब तो पहला एग्जीक्यूटिव एंड एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट की होंगे जो तो तुम लिखती रूप कर लेने कि मैं इन्नी तरीक न ये चीज़ तुम्हें मैं बेच दूंगा। एग्जाम्पल मैं लिख लूँगा कि मैं 10 आने वाली 10 तारीख में एक कार मैं तुम्हें बेचनी हैगी, मेरे एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट है। जदों 10 तारीख दे आ गई मैं तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट कार देती और तुम मेरे तो पेमेंट मैंने मेरी पेमेंट वापस करती तो कॉन्ट्रैक्ट की होंगे एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। पहले एग्जीक्यूटिव होंगे जिन्होंने अभी फ्यूचर से कंप्लीट करने, जो फ्यूचर टाइम पीरियड आ गया कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया तो उन्होंने कहना है एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट तो बाद साढ़े को यूलेटरी और बिलेटरल। यूलेटरी कॉन्ट्रैक्ट होंगे जो प्रोमिस सिर्फ एक पार्टी वालों का रह जाता है। बिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट होंगे जो प्रोमिस दोनों पार्टी वालों, मतलब मैं थोड़ा प्रोमिस कर रहा कि मैं थोड़ा ये चीज़ दूंगा तो मेरा यूलेटरल कॉन्ट्रैक्ट है, थोड़ी हाले कॉन्सेंट नहीं आई, जो थोड़ी भी कॉन्सेंट आ गई कि तुम इन्ने पैसे मैंने दे दोगे तो बिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। मीनस अभी परफॉर्मेंस बन के चलते हैं कि मैं 1 लाख रुपए की गड्डी थोड़ा दूंगा, मतलब तुम मैंने 1 लाख दोगे तो कहना वैसे 1 लाख दे देंगे तो कॉन्ट्रैक्ट की हो जाएगा बिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। मतलब अगर एक पार्टी प्रोमिस कर रही है तो यूनिटरल, अगर दोनों पार्टी प्रोमिस कर रही है तो वो बिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। फिर आता है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। जदों भी ऐसे कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ऑफर होना जरूरी है तो उसके लिए एक्सेप्टेंस होना भी जरूरी है। डेफिनेशन ऑफर, ऑफर का मतलब व्हेन ए पर्सन एक्सप्रेस हिज विलिंगनेस टू अनदर पर्सन टू डू और टू अब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग आल्सो अब्सटेन द कंसेंट फ्रॉम सच एक्सप्रेशन। जदों कोई एक पर्सन अपनी विलिंगनेस दूसरे पर्सन को दसदा है और दूसरे पर्सन तो भी ये उम्मीद रखता है कि एक्चुअल जो काम ही करूंगा तो असं इन्हों की कहने ऑफर। मेरी ऑफर है कि मैं एक्चुअल दे विच तुहानू कार खरीदना बेचना चाहना है, वो मेरी खुद की ऑफर है। ये कॉन्ट्रैक्ट विच कदों कंप्लीट होगी जो तुम भी खरीदने लिए रेडी होंगे। फिर वो जो सरकमटांसिस अं चाहते हैं भी सारी चीज़ें कंप्लीट होनी चाहिए वो भी अभी कंप्लीट करिए। वन साइड नहीं, आपको टेन टाइम इकट्ठा करके देंगे भी कॉन्ट्रैक्ट क्या है उसकी एसेंशियल चीज़ें बताएं। जैसे ये ऑफर है तो ऑफर के मोड्स पूछ लेगा तो 10 नंबर में आ जाएगा। ऑफर क्या होती है, कितने तरीके से ऑफर हो सकती है, फिर 10 नंबर। हाँ, मीनिंग का डेफिनेशन एक ही चीज़ होगी, अलग से डेफिनेशन लिख दी, मीनिंग लिख दिया। फिर उसके टाइप्स जैसे बोल रहे हैं कि मोड्स ऑफ मेकिंग एन ऑफर, ऑफर कितने तरीके से की जा सकती है, टाइप्स में आ जाएगा, फिर वो 10 नंबर में हो जाता है। अगर पूछा जाए सिंपल ऑफर है तो 2 नंबर में आएगा, सिंपल कॉन्ट्रैक्ट क्या है वो 2 नंबर में आएगा, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या 2 नंबर में, वायडेबल कौन सा है वो 2 नंबर में, कितनी नहीं आएंगे 2 नंबर में। जब इसको एग्जाम्पल इकट्ठा करेंगे तो 10 नंबर में बन जाएगा। अभी क्वेश्चन ऐसे 10 नंबर का बन सकता है कि ऑफर क्या है उसके टाइप्स या फिर मोड्स क्या है। ऑफर आपकी एक्सपेक्ट हो सकती है बाय माउथ, आप किसी बंदों को बोल के किसी भी बंदे को कोई ऑफर कर सकते हो। इम्प्लाइड ऑफर रिलेटेड सपोर्ट पे हो जाती है, आपने किसी को ऑफर किया बंदा ने वो चीज़ खरीद ली वो इम्प्लाइड ऑफर हो जाती है। उसके बाद ऑफर बाय अब्सटेंस, ऑफर बाय अब्सटेंस का मतलब होता है कि जब आप किसी पार्टी को बाय ओमिशन टू डू समथिंग, गलती से किसी पार्टी को कुछ करने को बोलते हो आप लोग, इसको बोलते हैं ऑफर बाय अब्सटेंस। ए पार्टी बाय ओमिशन टू डू समथिंग दिस इंक्लूड द सच कॉन्ट्रैक्ट फॉरबियरेंस ऑन वन पार्ट ऑफ द पर्सन टेक्स इट इन विलिंगनेस और अब्सटेंस। जब मैं किसी बंदे को भी प्रॉमिस करने जा ऑफर करने जा रहा हूँ उसमें मैं गलती से कुछ बताना भूल जाता हूँ तो इसको बोलते हैं ऑफर बाय अब्सटेंस। कॉन्ट्रैक्ट में बहुत चीज़ें क्लियर नहीं हो पाती। जैसे स्पेसिफिक और जनरल ऑफर। स्पेसिफिक क्या होती है, जब आपने स्पेसिफिक किसी बंदे को ऑफर की है, मान लो मैंने आप सिंगल आप हरिओम को ऑफर कर दिया तो ये स्पेसिफिक ऑफर होगी। जनरल ऑफर होगी मैं कॉन्ट्रैक्ट कर मैं बेचने जा रहा हूँ अपनी कार, मैंने आप 3 लोगों को इकट्ठा को बोल दिया जो बंदा खरीदना चाहता है तो वो मेरी तरफ से क्या होगी, जनरल ऑफर होगी कि मैंने जनरल पब्लिक के लिए ऑफर की है। मैंने मार्केट में रिक्रूटमेंट करनी है, मैंने स्पेशल एक बंदे को कॉल कर दी तो रिक्रूटमेंट में मेरे पास बंदा आ गया, अभी रिक्रूटमेंट के लिए मैंने एडवर्टाइजमेंट कर दी तो क्या हो जाएगी, वो जनरल ऑफर हो जाएगी। समझ गए, सिंगल पर्सन के लिए स्पेसिफिक हो जाएगा, अगर आप लोग ग्रुप में कर रहे हो तो वो जनरल हो जाएगी। जिससे एग्जाम्पल इन्होंने केस स्टडी बहुत सिंपल दिखाया था, सोहन ऑफर्ड ए रिवॉर्ड टू एनीवन हु रिटर्न हिज लॉस्ट डॉग। सोहन ऑफर करता है कि कोई भी बंदा जो मेरा गुम हुआ कुत्ता वापस करेगा उसको मैं 1 लाख रुपया 10,000 रुपये क्या दूंगा, इनाम दूंगा। तो वो क्या हो गया, जनरल ऑफर है, आपने पब्लिश कर दिया इसको, ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट दे दिया, वेबसाइट पे भी डाल दिया, तो जनरल कोई भी लेके आ सकता है। पता लगा लोग कुत्ते कुत्ते लेके आ गए 10,000 रुपये तो ऐसा नहीं होने बोला कि जो मेरा कुत्ता लेके आ, अगर स्पेशल किसी पैसे नहीं ऑफर है ना, अगर कॉन्ट्रैक्ट होगा तो रिटर्न बाद में कंप्लीट होगा ना कि आपने बोला था इस चीज़ को ऑफर के हम लोग लेके आए तब दे दीजिए, रिटर्न में हो जाता है कि चलो मेरे पास मिल चीज आ चुकी है कल को और बंदा तो बंदा कुत्ता नहीं देगा ले जाएगा ले जाते हैं वो केस में उसमें बाद में वैलिड आता है कि आप अगर केस रिटर्न में हो चुका है तो उसको आप कॉन्ट्रैक्ट वो केस में भी लगा सकते हो। इसेंशियल ऑफ वैलिड ऑफर, ये ऑफर में आपको दसवें साल में पूछा जा सकता है ऑफर क्या होती है, टाइप्स ऑफ ऑफर और उसके लिए ऑफर के लिए क्या क्या चीज़ें जरूरी होंगी। सबसे पहले ऑफर मस्ट क्रिएट लीगल रिलेशन,
ऑफर में लीगल रिलेशन होने चाहिए। कोई चीज आप ऑफर करने जा रहे हो, एक्चुअल में उसमें कानून की फॉर्मेलिटी बननी चाहिए। आप ऑफर ऐसे कर दो कि तू मेरे लिए छत से कूदेगा तब मैं 1,000 रुपये दूंगा, ये गवर्नमेंट किसी को नहीं बोलती। आप किसी को ऑफर करो भी छत से कूद जा और तुम 1,000 रुपये दे दे, हाथ पैर तेरे टूटेंगे कल को, तू केस लगा रहे गवर्नमेंट, हमने थोड़ी बोला था भी ऐसा भी कुछ ऑफर में आप करोगे और बंदा कॉन्ट्रैक्ट करके बैठ जाए, ऐसा कुछ नहीं है। ऑफर ऐसी चीज जिसमें कोई चीज बंदा बेच रहा है, कोई बंदा खरीदने वाला है, फिर उसको लीगल कॉन्ट्रैक्शन मान सकते हैं। ऑफर मस्ट बी क्लियर नॉट वैग्यू, ऑफर बिल्कुल क्लियर वर्ड में होनी चाहिए, कुछ भी उलझा हुआ होना चाहिए। बंदे को जो चीज आप काम करने के लिए बोल रहे हो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, बंदे को बाद में ये लगे कि ऐसा भी कुछ बोल दिया कि हम लोग क्या काम करें। जैसे एग्जाम्पल लिखा उन्होंने, एंड्री ऑफर टू सेल सम फ्रूट केन वर्थ ओवर 5,000, डिसाइड कैन ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हैपन इन केस, गिव रीजन इन सपोर्ट। एंड्री जो ऑफर करता है कि वो कुछ फ्रूट टू द केन, मान ली केन को कोई फ्रूट बेचेगा 5,000 रुपये में, तो इस रूल में क्या हो गया, अभी क्लियर नहीं है ऑफर। क्लियर क्या, वो जब वो बताया भाई ये फ्रूट होंगे वो 5,000 में, 5,000 में कल को पता लगा आपको सिर्फ वो क्या डाल के दे दे, वो सिर्फ छोटे छोटे 10-15 अंगूर दे दे, बिल्कुल 5,000 के हैं, वो क्लियर नहीं है। आप उसको क्लियर बता दोगे 5,000 में ये सारी चीज़ें हम लोग डाल के दे रहे हैं, तो वो क्लियर ऑफर मानी जाती है, वैल्यू बन गई है, क्योंकि हमें उसमें क्लियर नहीं बताया। अभी 5,000 में आप उसको बंदे को क्या क्या दोगे, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि वो क्या खरीद रहा है। 5,000 में कोई भी फ्रूट दे दो, पता लगा आप स्ट्रॉबेरी लगा के दे दे रहे हो, इतनी बड़ी एक स्ट्रॉबेरी लगा दी है 5,000 की है, तो बंदा तो लुट गया, तो ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू दी ऑफरी, जो भी ऑफर कर रहे हो, जिस बंदे को ऑफर कर रहे हो उसके साथ कम्युनिकेट होना जरूरी है। आपने ऑफर कर दी, बोल दिया भाई बस ठीक है जी आपकी ऑफर हो गई है, आपने तो बोल दिया, कल को कोई बंदा बोले कि मुझे तो पता ही नहीं है, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। जिसके साथ भी ऑफर करने जा रहे हो उसको पता होना चाहिए, उसके साथ कम्युनिकेशन प्रॉपर होनी चाहिए। ऑफर मस्ट बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम, ऑफर जो है बिल्कुल इन पॉइंट से अलग होनी चाहिए। ए डेक्लेशन ऑफ इंटेंशन एंड अनाउंसमेंट, आप सिर्फ डेक्लेशन कर रहे हो, आपको ऐसा लगता है कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट जो भी ऑफर करने जा रहे हो उसमें दूसरी पार्टी उस चीज को कैपेबल होगी, वो काम कर भी सकती है। एग्जाम्पल लिया उन्होंने, ए डेक्लेशन बाय ए पर्सन डेट इंटेंड टू डू समथिंग गिव नो राइट टू अनदर पार्टी टू टेक एक्शन। आप एग्जाम्पल, आपकी अपनी इच्छा है कि आप किसी बंदे को कोई मशीन देना चाहते हो, और मशीन देना चाहते हो, आप उस बंदे को यही बोलते हो कि मशीन को सिर्फ देख लेना, चलाना मत, ये ऐसी इंटेंशन कभी ऑफर में नहीं चलती। आप किसी बंदे को ऑफर कर रहे हो तो बंदा उस चीज़ को यूज भी करेगा, आप ऐसा नहीं बोल सकते मेरी गाड़ी ले जाओ उसको चलाना मत, फिर देनी क्यों भाई, तो बंदा लेके जाएगा तो उसको चलाएगा भी। उसके बाद एन इन्विटेशन टू मेक एन ऑफर और डू बिजनेस, जब भी इन्विटेशन होनी चाहिए उसमें ऑफर भी होनी चाहिए और प्लस उसमें बिजनेस होना चाहिए। एक्चुअल में बिजनेस का काम होगा तो बेनिफिट हो सकता है, पता लगा उसके काम की कोई चीज है ही नहीं तो ऑफर नहीं मानी जाती हो। न्यूज़पेपर अनाउंसमेंट आर नॉट ऑफर, ये पॉइंट बहुत अच्छा क्लियर कर दिया उन्होंने कि आप कोई न्यूज़पेपर अनाउंसमेंट कर रहे हैं उसको हम लोग प्रॉपर ऑफर नहीं बोलते, ये सिर्फ जनरल ऑफर होती है। जैसे हमने अलग अलग पर्सन को कर दी है, जैसे एग्जाम्पल अभी ऐसे भी कुत्ते का कुत्ता गुम हो गया, उसमें न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट दिए, किसी स्पेशल पर्सन को ऑफर नहीं की, इसको हम लोग मल्ली ऑफर नहीं मानते हैं, ये जनरल अनाउंसमेंट होती है। अगर उसमें किसी को बेनिफिट नजर आता है तो हम लोग देख लेते हैं। ऑफर में भी कंडीशनल, ऑफर में कंडीशन हो सकती है, ये भी चीज़ पॉइंट क्लियर हो जाएगा। ऑफर में जैसे एग्जांपल बोल रहे हैं, कोई बंदा बोल रहे हैं मेरा कुत्ता गुम हो गया आप ढूंढ के ले आओ, कंडीशन कर दिया क्योंकि 10 दिन में ले आओगे तो पैसे मिलेंगे, आप 15 दिन बाद ला रहे हो तो नहीं हो सकती। एग्जाम्पल ऑफर में कर दिया मैं आपको गाड़ी बेचूंगा अगर 10 दिन में पेमेंट दे दोगे, 10 दिन में पेमेंट दोगे तो गाड़ी बिक जाएगी, नहीं तो बंदा किसी और को बेच देगा, तो ये ऑफर चल सकती है। ऑफर कैन बी स्पेसिफिक और जनरल, दोबारा से फिर पॉइंट, एक बंदे को भी कर सकते हो, जनरल पब्लिक को भी कर सकते हो। ऑफर मे बी एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड, ऑफर कहता अभी जनरल भी हो सकती है इम्प्लाइड भी, जनरली ऑफर सिंगल पर्सन को पर्सनली आप लोग एकदम से किसी बंदे को बोल रहे हो कि एक्चुअली काम होने बाय वर्ड भी बोल रहे हो, इम्प्लाइड एट इज सपोर्ट भी हो सकती है। आप कोई काम करने की, जैसे अभी मैं एग्जाम्पल हूँ, मेरे को किसी बंदे का कॉल आया कि आपकी जो जमीन है वहाँ पर ये प्रॉब्लम आई, अगर उस चीज़ को हम ये सॉल्व कर लेंगे, ये एट ए फैक्ट ऑफर हो गया, उसने मुझे एट ए टाइम बताया, मेरे से पहले कभी बात नहीं हुई उसकी, अभी बोला कि ये प्रॉब्लम आ गई उसको करवाना पड़ेगा। ऑफर की आप करवाना चाहते हो, अगर अभी 5 बंदे मिल के कर रहे हैं ऑफर है, उन लोग बेनिफिट हो जाएगा, अकेले को करवाना पड़ेगा तो नुकसान हो जाएगा, इसको क्या बोले एट ए फैक्ट। मैंने बोला ठीक है भाई मिल के करवा लो, अगर काम पॉसिबल है तो उसको कम्प्लीट कर लेते हैं। फिर आता है डेफिनेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, लास्ट एक छोटा सा इसमें टॉपिक है एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस क्या होता है, जब कोई बंदा कोई ऑफर कर रहा होता है और दूसरी पार्टी उस चीज़ को सिग्निफाइड करती है कि जस्ट वो इस चीज़ काम को कंप्लीट करेगा, तो उसको क्या बोलते हैं एक्सेप्टेंस। मैंने जैसे एग्जांपल बोलो कि मैं आपको कार बेचने का ऑफर कर रहा हूँ, तो आप लोग उस चीज़ को फ्री माइंड उसको एक्सेप्ट करते हो कि आप खरीदेंगे, आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं होता, तो उसको बोलते हैं एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस के लिए भी कुछ चीज़ें कदा जरूरी होनी चाहिए। सबसे पहले मस्ट बी एब्सोल्यूट और अनक्वालिफाइड, आपके पास जो एक्सेप्टेंस होनी चाहिए वो एब्सोल्यूट होनी चाहिए, मीन जो चीज़ें एक्चुअल में हो सकती हैं उसके लिए ही होना चाहिए। आप ऐसे किसी पर्सन को नहीं बोल सकते कि हाँ मैंने, किसी बंदे ने आपको कोई ऑफर की आप बोलेंगे हाँ मैं कर लूँगा, ऐसा नहीं,
क्लियर होना चाहिए किस टाइम पे वो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होगा। जैसे एग्जांपल मैं बोलूँ कि 10 तारीख को मैं आपको कार दूंगा, 1 लाख रुपये कार है, उसका कलर ये है, उसका ये प्राइस बन रहा है, मॉडल उसका ये है, आप 10 तारीख को पैसे देने के लिए बिल्कुल रेडी हो, तो आप बोलोगे 10 तारीख को इस चीज़ को मैं ऐसे खरीद लूंगा, वो ऑफर एक्सेप्टेंस में कंप्लीट हो जाती है। मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफर, जो भी एक्सेप्टेंस होगी वो हमेशा, मान लो मैं ऑफर करने वाला हूँ, आप एक्सेप्ट करने वाले हो, आप अगर एक्सेप्टेंस दे रहे हो तो आप मेरे साथ कम्युनिकेट जरूर करोगे। कम्युनिकेट करने का मतलब क्या हो गया कि आप मेरे को जरूर बोलोगे, एक बार बता दोगे कि हम आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए रेडी हैं। मैंने ऑफर कर दी, आपने मुझे बताया नहीं, लेकिन आप कुछ दिनों बाद आ गए हैं कि एक्चुअल में आपने जो कुछ बोला था हम आपको करना चाहते हैं, वो पॉइंट नहीं माना जाएगा कॉन्ट्रैक्ट में। ये हमेशा मेरे साथ जो है, मान लो ऑफर करने वाले, मेरे साथ कम्युनिकेट होना जरूरी है। उसके बाद एक्सप्रेस इन सम यूजुअल और रीजनेबल मैनर, जो भी आपकी जो एक्सेप्टेंस होगी वो रीजनेबल मैनर में होनी चाहिए। आप ऐसा नहीं बोल सकते किसी बंदे को कि आप उसको मैसेज कर दो, उसने तो कम्युनिकेट किया था आपके साथ, आप उसको मैसेज कर दो, फायदा भी वो मैसेज ना देखे, तो आपको भी उसको मिलके कम्युनिकेट करना जरूरी है। तो मान ली रीजनेबल मैनर है, आप बोल दो, या तो बंदे ने बोला होगी मेरे को मैसेज कर देना, फिर हम मान सकते हैं कि एक्सेप्टेंस होगी। जैसे कंपनियों में होता है कि कोई भी ऑर्डर चाहते तो वो बोलते हैं कि आप ईमेल कर दो, कोई भी जॉब आपको चाहिए, आप कोई काम करना चाहिए किसी कंपनी से, बोलते हैं कि हमें ईमेल कर दो, हम आ गए। हम बोलते हैं यार फोन से तो बोल रहे हैं, फिर भी बोलते हैं कि हम चाहते हैं कि हमारे पास एक प्रूफ के तौर पे हो कि वैलिड एक्सेप्टेंस है आपकी, कि आप ये काम करवाना चाहते थे, आप हमें ईमेल कर दो, ईमेल में चाहे वो वर्ड लिख के भेज दो, वो एक्सेप्टेंस के इसमें वो मान लेते हैं। ठीक है। मस्ट बी गिवन विद इन रीजनेबल टाइम, जो टाइम पीरियड दिया गया था आपको उस टाइम में कंप्लीट। मैं आपको बोलूँ कि मैं आज आपको ऑफर कर रहा हूँ कि 10 तारीख को मैंने कार बेच ली, 10 तारीख को मेरे को पैसे दे देना, आप बोल 11 तारीख को आ रहे हो कि आपने जो ऑफर की थी आज मैं देने जाता हूँ, बंदा मैंने किसी और को बेच दिया, तो आप उसके ऊपर कोई केस नहीं कर सकते हैं, मतलब वो टाइम के अंदर का आपका काम नहीं हुआ। एक्सेप्टेंस कैन नॉट प्रोसीड एन ऑफर, पहला ऑफर देन मतलब आप ऐसे नहीं बोल सकते पहले एक्सेप्टेंस हो जाएगी फिर ऑफर आएगी, ऑफर पहले होनी चाहिए फिर एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। मतलब मैं जब तक आपको कोई काम करने की बोलूंगा तब आप बोलेंगे आज काम करते हैं, मैं बोलूंगी पहले हम ये काम कर लेंगे, मैं बोलूंगा ठीक है इसके बाद मैं आपको सोचूंगा अभी क्या करना है, ऐसा नहीं हो सकता। आप पढ़ के कुछ और हो, मैं टेस्ट किसी और चीज़ कर लेंगे, ऑफर क्या होगी, मैं चाहता हूँ कि कल आपका ये चीज़ों का टेस्ट है, और आप बोलेंगे यस हम लोग ये टेस्ट देने के लिए रेडी हैं, पढ़ के आएंगे, तो ये ऑफर एक्सेप्टेंस में चल जाएगी, उसका रिजल्ट अच्छा आ जाएगा। लेकिन कुछ ऑपोजिट होगा तो नहीं माना जाता। इसका मतलब यही होगा कि हमेशा ऑफर पहले होनी चाहिए, एक्सेप्टेंस जो है उसके बाद होनी चाहिए। ये एक वैलिड एसेंशियल पॉइंट में आता है एक्सेप्टेंस के लिए। इसमें 3 क्वेश्चन 10 नंबर के बनते हैं, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या है, उसके लिए क्या क्या चीज़ों की जरूरत क्या है, ऑफर क्या है, या फिर आपका 10 नंबर का क्वेश्चन ये भी बन सकता है कॉन्ट्रैक्ट की टाइप्स क्या हैं, जो हमने 4-5 प्रकार के टाइप्स पढ़ी हैं। पहले एग्रीमेंट होता है फिर कॉन्ट्रैक्ट होता है। एग्रीमेंट क्या होता है, 2 पार्टीज मिलती हैं आपस में बातचीत करती हैं, जब उसको रिटर्न में बाय इनफोर्सेबल लॉ कर लेती हैं तो एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। पहले हमने कुछ भी ऐसे रिटर्न में बातचीत कर ली वो आपका एग्रीमेंट है, जब तक उसको आप कॉन्ट्रैक्ट को रिटर्न में साइन नहीं करते, इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं करते, तब तक वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता। फिर कॉन्ट्रैक्ट की टाइप पूछी जा सकती है या फिर कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल पूछे जा सकते हैं, नहीं तो ऑफर क्या होती है उसके टाइप्स, उसके एसेंशियल पूछे जा सकते हैं, नहीं तो एक्सेप्टेंस क्या है उसके टाइप्स, सॉरी एक्सेप्शन के एसेंशियल पूछे जा सकते हैं। 3-10 नंबर क्वेश्चन है, एक तो पक्का हो सकता है कि 2 भी आ जाए आपके क्वेश्चन में, कोई पॉइंट ऐसा हो पहले डॉक्यूमेंट पूछने देखिए, नहीं तो बाकी हम लोग कल करते हैं।